जय गुरु। कल मैंने यहाँ आके ठाकुर जी का कुछ बातें बोले थे, आज मेरे जीवन में ठाकुर कैसे प्रकाशित हैं वही हम बोलना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ कुछ विद्यार्थी हैं, उन लोग के लिए मेरा एक सलाह है। विद्यार्थी जन, आप लोग अभी जिस जीवन से गुजर रहे हैं माँ बाप के छत्र छाया में, यही सबसे बेहतरीन जीवन है। माँ बाप के छत्र छाया में रखे विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, कोई विद्या को हासिल कीजिए ताकि भविष्य में आपका पेट चले, परिवार चले। ये विद्या को हासिल कर लीजिए। यदि समय बर्बाद कर रहे हैं किसी विषय में तो उस विषय से खुद को निकाल लीजिए पहले। जो लोग खेल के मैदान में जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग के लिए मेरा सलाह है, बहुत श्रम करने का जगह है वो खेल का मैदान। यदि आप श्रम के लिए तैयार हैं तो खेल कूद में उतर जाइए, और नहीं तो जो लोग विद्यार्थी खेल के मैदान में ऐसे ही समय नष्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा कहना है, खेलिए उतना भर जितना भर खेलने से शरीर मजबूत होता है, तंदुरुस्त रहता है, इससे ज्यादा नहीं। विद्यार्थी, कोई भी विद्या अपनाइए। आप नाच सीखना चाहते हैं नाच सीखिए, गाना सीखना चाहते हैं तो गाना सीखिए, छवि बनाना सीखना चाहते हैं तो छवि बनाइए, जो भी करना चाहते हैं दिल खोल के कीजिए, लेकिन आनंद सहित कीजिए, क्योंकि आनंद एकाग्रता को लाता है। और विद्यार्थी का दो ही अस्त्र है, एक है एकाग्रता, एक है निष्ठा। ये दोनों में कोई भी होना चाहिए, एकाग्रता ही निष्ठा को ले आता है। आप लोग का ये दोनों चीज रहेगा तो जरूर आपका विद्या अर्जन में सहज हो जाएगा, विद्या अर्जन आपके लिए सहज हो जाएगा। जो लोग हैं नौकरी के तलाश में हैं, विद्या खत्म कर लिए हैं, वो लोग के लिए कुछ सलाह है मेरा। जैसा कि मान लीजिए आपका विद्या बहुत है, आपको कोई सिक्योरिटी जॉब मिल रहा है, विद्या के अनुसार वो आपके लिए मैचिंग नहीं है। आप बहुत विद्वान हैं, आपको एक स्वीपर का नौकरी मिल गया, आप छोड़िए मत, मैं बोल रहा हूं उसको भी ले लीजिए, क्योंकि दो मंजिल पर उठने के लिए, दो तला पर उठने के लिए कोई कूद के नहीं उठता है, सीढ़ी पर चढ़ चढ़ के उठना पड़ता है। ये नौकरी को आप अपना जीवन का एक सीढ़ी मान लीजिए और ऐसा करके चलने का कोशिश कीजिए, ऐसा ही मेरा सलाह है। जो लोग व्यवसायी हैं, सीधे ढंग से बोले तो दूध से छेना बनाने का एक उपाय होता है। दूध से छेना बनाना एक क्रिया व प्रक्रिया है, तो जीवन से पैसा बनाना भी एक कायदा है। ये कायदा क्या है कि हमारा जीवन में सबसे पहले व्यावसायिक पंचनीति जो ठाकुर जी ने दिए हैं, व्यवसाय के लिए जो पंचनीति बोले हैं, यही ढांचा को पहले बना लीजिए। यदि जानकारी में नहीं है, मंदिरों में या केंद्रों में जाके जानकारी ले लीजिए, कर्मी लोग से जानकारी ले लीजिए, या जो लोग चर्चा करते हैं गुरु भाई से जानकारी लीजिए, या तो किताब से या पत्रिकाओं से जानकारी लीजिए। ये ढांचा ठीक करके रख के फिर आप व्यवसाय शुरू कीजिए। व्यवसाय में जितना निवेश कर रहे हैं उस निवेश का यदि 2% आपका लौटता नहीं है तो समझ लीजिए व्यवसाय पंचनीति में कहीं आपका खोट आ चुका है, कहीं गड़बड़ कर चुके हैं। कहां गड़बड़ कर गए हैं उस जगह को ढूंढिए, उसको मरम्मत कर लीजिए। और यदि आपको वो जगह नहीं मिल रहा है तो आप व्यवसाय बंद कीजिए, जाके सीधा व्यवसाय बंद करके आपने सीधी सीधी नौकरी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप व्यवसाय चलाते रहिएगा आपका पैसा वहां से निकल जाएगा। यदि जब तक आप खोज के उसको मरम्मत नहीं करते हैं व्यवसाय मत कीजिए, और यदि खोज पाते हैं फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि आपका जो बर्तन है उसमें छेद हो चुका है, पानी डालेगा पानी निकल जाएगा, घर बार आपका नष्ट हो जाएगा, कर्ज में डूब जाइएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं सब, जो लोग माँ बाप यहां उपस्थित हैं उन लोग के लिए मेरे सलाह है, संतान के शादी के लिए उतावला मत होइए। लड़कियों को सिखाइए श्रृंगार, श्रृंगार का रस मतलब खाली ऊपर से सजना धजना नहीं, किस परिस्थिति में कहां कैसे सज के हमको पहुंचना है, कैसे बात करना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे आचरण करना है, समुदाय अभिव्यक्तिगत प्रकाश को सिखाइए। लड़का को सिखाइए कर्मप्रांता, और फिर क्या कीजिएगा, अपने सारे रिश्तेदारों को बोलिए, हितैषी जन को बोलिए, सजाति के आदमियों को बोलिए, ठीक है आपका संयोग आ जाएगा, बच्चे के शादी के लिए आपको इतने टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। जो लोग यहां आप लोग के बीच में
अस्वस्थ हैं उनके लिए मेरा एक सलाह है, आश्रम में मेरे आश्रम हम लोग के जो आश्रम के पीछे के जो गांव है उस गांव से कोई आदमी आया था, वो लड़का नियमित आता है आश्रम में काम के लिए और बोला कि उसका बेटा बीमार पड़ गया है, 7-8 साल का बेटा बीमार पड़ के बिस्तर पर लेटा हुआ था। अब जब लेटा हुआ था तो उस वक्त हम बहुत इलाज करवाया, बहुत कोशिश किया लेकिन बीमार ठीक नहीं हुआ। बीमार ठीक नहीं होने से क्या हुआ, वो आके लाचार हो गया, हमको आके बोलता है कुछ मदद कीजिए क्या करें, हमको कुछ सुझाव नहीं रहा। तो मैंने बोला वो जो ऐसा बोल रहा है, लड़का जैसा बोल रहा है, इंटरनेट खोल के देख क्या बोल रहा है। इंटरनेट को खोला गया, इंटरनेट ने उस अनुसार जैसा जैसा बोलते गया उसको दबा के जो रोग निर्णय किया वो रोग का चिकित्सा एलोपैथी शास्त्र में नहीं था। एलोपैथी शास्त्र में उस रोग का कोई चिकित्सा नहीं था। भुवनेश्वर में यहाँ एक आयुर्वेदिक कॉलेज में एक शिक्षक है, उनको हमने खबर भेजवा तो आयुर्वेदिक मत से उन्होंने कुछ दवा बोल दिया फोन पर और देवघर बाजार में वो दवा प्राप्त किया गया, लड़का को दे दिया गया, बोला कि तुम्हारा बेटा खिला। जो बेटा इतना दिन से खेलकूद के अस्वस्थ होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ था इतना दिन से, वही दवा 7 दिन में उसको फिर खेलकूद के मैदान में लौटा दिया, सुस्त हो गया। तो पहले मेरा कहना है रोग के विषय में खुद जानिए, डॉक्टर क्या बोल रहा है वो तो बड़ी बात है, लेकिन हम आप भी जानिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, आदि समुदाय बात को आप जानिए। इंटरनेट खोलना सबका बस की बात नहीं है, लेकिन घर के बच्चे लोग जानते हैं, वो लोग माहिर हैं, शातिर हैं, इसमें उन लोग एक्सपर्ट हैं, उन लोग का मदद लीजिए, वो लोग ही आपको जानकारी दे देगा कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, इंटरनेट क्या बोल रहा है, उसमें ज्ञान का सारे नक्श दिया जाता है। और फिर क्या कीजिएगा, एक डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाके अपना रोग के विषय में सलाह मशवरा कीजिए। अभी चेन्नई जाना है, अभी दिल्ली जाना है, इतना बड़ा बड़ा मत सोचिए, पहले नजदीकी जो डॉक्टर हैं उन लोग का सलाह लीजिए। फिर क्या कीजिए, आनंद में रहिए, आनंद में जो नहीं रहता है उसका रोग कभी उसके पास से नहीं भागता है। अब आनंद में रहने का एक उपाय भी हमको तो खोजना है। मैं आनंद में क्यों रहना चाहता हूं, क्योंकि हर प्राण जितना भी है जो भी नौकरी करता है, जो भी जहां जैसा है काम करता है, जो खेती बाड़ी करता है, जो भी करता है, सब आनंद में रहना चाहता है, सब कोई आनंद में रहना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि सत्ता सच्चिदानंद में, मतलब मेरा अस्तित्व आनंद में रहना चाहता है। और हम लोग को क्या बोलता है, मनुष्य, मनुष्य मतलब मेरा मान है और होश है, मान मतलब मेरा अस्तित्व संबंध में मेरा ज्ञान है, और मेरे अस्तित्व के लिए कौन हित है कौन अहित है ये भी हमको ज्ञान है। जिसका खुद का अस्तित्व कायम रखने के लिए किसके लिए हितदायक है कौन अहित है ये ज्ञान जो जो प्राणी रखता है वही मनुष्य है। और ये जो जीव जंतु हम देखते हैं जानवर से, हम इंसान भी तो एक जानवर है, इसमें फर्क क्या है, जीव जंतु आहार निद्रा मैथुन से खुश होता है, लेकिन हम मनुष्य हमारे पास एक यंत्र है उसको कहते हैं मन। हम लोग जिस अवस्था में है उस अवस्था से बेहतर रहने के लिए कोशिश करते हैं, सोचते हैं जिंदगी जैसा है उससे कैसे बेहतर बनाया जाए, मैं जिस अवस्था में हूं उस अवस्था से कैसे बेहतर बनाऊं, यही हम लोग का सोच रहता है, ये मन है। और हम लोग क्या करते हैं, संसार का चित्र कैसा रहता है, संसार का चित्र रहता है स्वार्थ मुताबिक। एक परिवार में एक पति अपना स्वार्थ जताता है, हमको ये ऐसा ये ही चाहिए, एक पत्नी बोलती है हमको ये चीज ऐसा ही चाहिए, बेटा बोलता है हमको ये चीज ऐसा ही चाहिए, बेटी बोलती है हमको ये चीज ऐसा चाहिए, दबे दबे गले से भी बोलती है तो बोलती है, लेकिन हम लोग संसार में स्वार्थ का पूर्ण करने आए हैं ऐसा जैसा चित्र है। और हृदय तो कोई भी खोलते नहीं है, क्योंकि शादी के शुरुआत में एक पति पत्नी में आवाज होता है पिश, 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 पिश। वही पति पत्नी में कुछ दिन जाने के बाद आवाज होते रहता है हव 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 हव, तो हृदय की दूरियां पैदा हो जाती है। शारीरिक रूप से तो हम लोग नजदीक में रहते हैं लेकिन हृदय का दूरी हो जाती है। संसार में भी दो मित्र जब मिलता है
मन को छुपा के उतना भर ही बात करते हैं जितना भर बात करने से हम लोग में टक्कर नहीं लग जाए, मन खोल नहीं सकते हैं हम लोग। यहां से पति पत्नी भी मन नहीं खोलता है, पूरा मन खोलेगा तो टक्कर लग जाता है। बच्चे भी अपना मन खोल के बोलता नहीं है, टक्कर लग जाता है। भाई बहन में प्रेम का बंधन नहीं है, टक्कर लग जाता है। कोई कोई सहन नहीं कर पाता है। बेटा आके बोलता है कि हम नशा करके आए, तो ऐसा चिल्लाना शुरू कर दिया, बेटा चुप गया, अब चुप चुप के नशा करेगा। बेटी आके बोलता है हमको वो लड़का पसंद है, तो बोला तो ऐसा बवाल हो गया घर में कि बेटी अब मन खोल ही नहीं सकता है, मन छुपा लिया है। पति पत्नी बेटा बेटी किसी के साथ किसी का संबंध सही ढंग से नहीं हुआ, पारिवारिक बंधन भी ऐसा मजबूत नहीं और सामाजिक रिश्ता भी वैसा मजबूत नहीं। जिसको मित्र बोलते हैं उसमें भी हम लोग बचा बचा के अपना आचरण करते हैं, हृदय खोल के नहीं, क्योंकि करने से ही कहां संघात लग जाएगा। और एक बात है, जो लोग गुरु भाई हैं उन लोग जान लीजिए, उन लोग के लिए कथा है, मैं और कर्मी दादा दोनों का संघात लग गया तो मान लीजिए हमका और उनका बीच में किसी का ठाकुर जी नहीं है। दोनों कर्मी में संघात लग रहा है, दोनों में ठाकुर नहीं। मान लीजिए ढाल में दो गाड़ी को टक्कर देने के लिए छोड़ा गया तो दोनों गाड़ी टक्कर जाएगा, क्योंकि उसमें कोई चालक नहीं है। और यदि एक गाड़ी में भी चालक रहेगा तो टक्कर से बचा लेगा, चाहे वो ब्रेक मार के हो चाहे रुक के हो, वो ढाल में जाके वो टक्कर से वो बचा देगा खुद का गाड़ी। तो इसका मतलब है दोनों कर्मी में टक्कर तब नहीं लग सकता यदि एक के पास कर्मी है, एक के पास ठाकुर है और एक के पास नहीं है, तभी टक्कर नहीं लगेगा। और दोनों के पास नहीं रहेगा तो टक्कर जरूर लगेगा। एकदम मान लीजिए दोनों ठाकुर का प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ का कहीं प्रतिष्ठा हो रहा है। बातचीत में ये बात मैंने आप लोग को बोला, एक सुझाव दिया। और एक बात है, सीधे ढंग से बोले, हम लोग का सामाजिक चित्र ऐसा है, बेटा को हम लोग बोलते हैं ए बेटा सच बोल, कोई पैसा मांगने आ गया घर में तो उसी बेटा को हम लोग बोलते हैं जा बेटा बोल दे बाप घर में नहीं है। मां कहती है बाप बुजुर्ग है उनका कहना मान, वही मां को देखते हैं रात को बाप से झगड़ रहा है और बेटा क्या सोचा, अच्छा बात सुनो मन कुछ करो। यही सामाजिक चित्र से बेटा को हम बनाने चले थे मधुमक्खी, जो मधु संग्रह करके मेरे घर के लिए लाएगा वही बेटा अब जाके मल मक्खी बैठा गया पैखाना संग्रह करके लाता है। अच्छा स्कूल में दिए वो गाली सीख आएगा, मन आचरण सीख आएगा, एक दिन नशा भी सीख आएगा, बड़ा ऑफिसर बना घूसखोर बना, बहुत क्षमता दिया गया वो क्षमता का अपव्यवहार करके वो शोषक बन गया, सबका सताने वाला बन गया। ऐसा ही चित्र होता है, ऐसे प्रदेश जो है वो लोग का ऐसा ही चित्र होता है, ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसका ही कुछ अंतर्भेद होगा लेकिन मूल यही होगा। इस अवस्था से हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग निष्कृति पाना चाहते हैं। सबसे पहले जिंदगी क्या है उसके बारे में हम लोग सोचें। जिंदगी है एक तेज धार नदी जैसा, नदी में यदि नाव तेज धार में रखा जाए तो पार में एक गाछ है उसके साथ बांध के रखते हैं, बांध के जो रखते हैं तो उससे क्या होगा, नाव हिलेगा डुलेगा लेकिन भागेगा नहीं। ये जो बंधन है इसी को कहते हैं दीक्षा। यदि बंधन टूट जाता है तो पूरा नाव उस बहाव में उस स्रोत में जाके जलप्रपात में गिर के चूर-चूर हो सकता है। अब पूछना है कि दीक्षा क्यों ले। एक गाय अपना साथी सब चला गया उसके मालिक के साथ, लेकिन वो रह गया जंगल के किनारे घास खाने का लालच में। अंधेरा जब छाया एक बाघ निकला उसको पकड़ने, देखा कि गाय सामने में है, गाय के पीछा किया, गाय दौड़ के भागने गया तो एक कचरे में जाके फंस गया। अब बाघ भी उसको पकड़ने के लिए कूदा जैसा, तो जाके वो भी कचरे में फंस गया। अब दोनों ही कचरे में परा परा फंसा हुआ था। कोशिश एक बहुत की, एक भागने का एक पकड़ने का, दोनों ही नाकामयाब हुआ दोनों जानवर। अब हुआ क्या, बाघ बोला देख कचरा सूख रहा है, अभी हम तुझको सूखने के बाद तुझे खाएंगे। गाय ने हंसना शुरू कर दिया, अरे तू क्या खाएगा हमको, मेरा कान जो खड़ा है, हम आवाज मिल रहा है घंटे का शंख का,
यानी कि मेरा मालिक, मेरे घर नहीं लौटा हूं खोजने के लिए आ रहे हैं, मेरा मालिक तो हमको उठा के यहां से ले जाएंगे, और साथ ही जो लोग हैं मालिक के, वो लोग के पास भाला है, लाठी है, तेरा क्या अवस्था करेगा वो लोग? तो सबसे पहले यही कारण से हम लोग दीक्षा लेते हैं, रक्षा पाने के लिए। हम लोग का सबसे बड़ा क्षति कहां होता है? मन में, शरीर में कहीं नुकसान नहीं होता है। बाप मरता है तो शरीर में कोई नुकसान नहीं, मन में होता है। मां मरती है तो कहीं नुकसान नहीं, मन में होता है। बेटा का कुछ हो जाता है तो कहां जाके चोट लगता है? मन में। इस मन को रक्षा करना जरूरी होता है, इस मन को रक्षा करने के लिए ही दीक्षा आवश्यक है। जानवरों को तो शारीरिक रूप से बचाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को मन से बचाया जाना जरूरी है। मन यदि नहीं बचेगा, इस दो पहिए वाला जानवर को कोई नहीं बचा पाएगा। पति उसका कुछ उलट पुलट कर देगा तो उस औरत का ऐसा ही हाल होता है, एक औरत उलट पुलट कर देगा उसका पति का ऐसा ही हाल होगा। तो मन को कौन रक्षा करेगा? रक्षा करने वाला गुरु होते हैं। तो गुरु को जब हम थामते हैं तो क्या करना चाहिए? हम लोग सब कुछ सोचते हैं, दीक्षा लिए हैं, कुछ तो नहीं हो रहा है। हम बोले पंखा लेके बैठे रहोगे सालों साल तो एक बूंद भी तुमको पानी हवा नहीं मिलेगा जब तक ना हवा हाथ से हिलाओगे। ये हाथ हिलाना जरूरी है। तो दीक्षा लेके हम लोग को कुछ करना पड़ता है, चलना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमारा मन से सोचना पड़ता है मेरा गुरु कैसे है, बर्ताव हम लोग सामाजिक कैसे करते थे। वो गाली देता हम गाली देते, वो पत्थर मारते तो हम ढेला मारते, वो हमसे मंद आचरण करते तो हम मंद आचरण करते। सामाजिक रूप से हम लोग यही आचरण करके आते हैं। और अभी क्या करेंगे? ये जो गाली दिया, ये गाली यदि मेरा गुरु को कोई देता तो गुरु कैसे करते? हम उसी आचरण को करने का कोशिश करेंगे। वो ढेला मारा था, मैं पत्थर मारा था, अभी नहीं मारेंगे। वो ढेला मारा था तो मेरा गुरु को यदि कोई ढेला मारता तो वो कैसे करते? वो मंद आचरण किया, उस मंद आचरण देखे हम मंद आचरण उनके साथ किए, लेकिन अभी नहीं करेंगे। उस मंद आचरण के सामना करते हुए गुरु हमारा कैसे करते हैं उनसे आचरण, वही सोच के वही करने का कोशिश की। ये आचरण को हम सोच के करने का जो प्रयत्न करते हैं, इसी को कहते हैं ठाकुरत्व जगना। वही बोलता है ठाकुरत्व नहीं जगने से तुम्हारा ठाकुर बोल के कोई नहीं है, केंद्र बोल के कोई नहीं है। तो यही है ठाकुरत्व जगना। मेरा ठाकुर आप कैसे हैं, उस आचरण को अपना के हम करने का कोशिश या प्रयत्न करते रहते हैं, यही है ठाकुरत्व जगना। अज्ञानी वही है जो मंदिर में भगवान को खोजता है, मूर्त में भगवान को खोजता है, और मनुष्य में भगवान को खोजता है। ज्ञानी वही है जो खुद के भीतर भगवान को जगाता है। जैसे मंथन करने से ननी का उत्थान होता है, ऐसे ही हम अपने गुरु का आचरण रटते रटते, उस आचरण के रटने से क्या होगा, मेरा आचरण मंथित होते होते हमारा प्रकाश भी एक दिन गुरु जैसा हो जाएगा, मेरे ठाकुर जैसा प्रकाश होगा। तो क्या होगा, आदमी हमको ये कमीज और ड्रेस से मालूम नहीं करेगा, मुझे देखकर ही बोलेगा हाँ ये ठाकुर जी का आदमी है। इसका जूता खोलने का कायदा, इसका बैठने का कायदा, इसका आचरण करने का कायदा, समुदाय अभिव्यक्तिगत प्रकाश ठाकुर जी जैसा लग रहा है, ठाकुर जी समा रहा है इसमें, तो आदमी बोलेगा हाँ ये ठाकुर जी का आदमी है। खाली हम बनेंगे इससे नहीं चलेगा, खुद हम बन गए कुछ इससे नहीं चलेगा, हमको और भी उपाय करना है। सामाजिक रूप से ये जो हम कोशिश करते हैं बनने की, ये बनना की क्रम ही है जजन। अब भगवान से पूछा गया, हे भगवान आप कहां रहते हो? तो भगवान बोला न हम तिष्ठामि बैकुंठे जोगिनंग हृदयनंग न च, मतलब मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं, जोगी के हृदय में भी नहीं रहता हूं। तो भगवान ने बोला मैं बैकुंठ में रहता हूं, जोगी के हृदय में रहता हूं। तो कहां रहते हैं? मद भक्त जहां हमारा गान गुण कीर्तन करते हैं वही मैं विराजता हूं नारद। हमारे भक्त जहां मेरा गुण कीर्तन करते हैं मैं वहीं विराजता हूं। भाषा से तो तब तब वो आके उपस्थित होते हैं मेरे बगल में। और क्या होता है, फल पक जाने से फट जाता है। तो हम बोले थे कि ठाकुर जी का आचरण रखते हैं तो उसका प्रकाश भी होगा।
मेरे चलन से कथन से हम सामाजिक रूप से जब सब्जी वाला के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं, जो रिक्शा वाला उसको बोलते हैं, जो किरायेदार उसको बोलते हैं, जो पैसा मांगने आया था उसको देखे अभी भागेंगे नहीं, बोलेंगे गाली देना है तो गाली दे दीजिए, लेकिन दो बात अच्छा सुन के भी जाइए। ऐसे चित्र जब होगा तो हमारा इन प्रकाशों से सामाजिक कुछ बंधु पैदा हो जाएगा। सामाजिक जो बंधु पैदा होगा यही समाज का बंधु हमारे बाद में काम आएंगे, ये प्रिय बांधव हो गए, क्योंकि हम इन लोगों प्रिय वितरण किए थे, अपना प्रिय जो वस्तु है गुरु उनको हम वितरण किए, प्रिय बांधवता पैदा हुआ। जो भी प्रिय वस्तु वितरण करता है उसके साथ ये प्रिय बांधवता तैयार होता है, जिसके साथ कोई स्वार्थ संबंध नहीं, कोई लेना देना स्वार्थ संबंध नहीं। हम लोग एक कहानी और भी सुनते हैं, कल्पतरु था, कल्पतरु छाया में एक पथिक थका थका सा बैठा हुआ था, पूछा अरे यहां तो बहुत थके हैं, थोड़ा सा खाना मिल जाता तो अच्छा था। वो कल्पतरु था, उसका जैसा इच्छा हुआ खाना भी आ गया। खाना खाने के बाद सोचता अरे एक बिस्तर भी हो जाता तो अच्छा से सो जाते, बिस्तर भी फट से आ गया। अब वो सो के सोच रहा है कि इस गाज में भूत प्रेत वगैरह तो नहीं, जो भी सोच रहा हूं आ रहा है वो आके मेरा गर्दन तो मरोड़ के मार नहीं ना देगा। सचमुच एक भूत आके उसको गर्दन मरोड़ के मार दिया। तो भगवान के पास हम जो भी मांगते यदि वो पूर्ण कर देते मेरा हाल ऐसा ही होता। हम लोग बहुत बेवकूफ हैं, कभी कभी मेरा लिए जो गलत है उसको भी मांग लेते हैं, इसलिए भगवान हमारा कोई स्वार्थ प्रार्थना नहीं सुनते हैं। हमारे मंगल कारण जब हम मां के लिए प्रार्थना करते हैं नहीं सुनेंगे, जब बाप के लिए करते हैं नहीं सुनते हैं, जब हम बेटा के लिए करते हैं नहीं सुनते हैं, बेटी के लिए करते हैं नहीं सुनता है, जब अपने पति पत्नी के लिए करते हैं नहीं सुनते हैं भगवान, ये सब प्रार्थना नहीं सुनेंगे। एकदम जानकारी रखिए, क्योंकि प्रार्थनाओं को बोलता है स्वार्थ संबंधित, तो इसको बोलता है सकाम प्रार्थना। जब मैं वो दादा के लिए करूंगा वो है निष्काम प्रार्थना, वो माँ के लिए करूंगा निष्काम प्रार्थना, वो बहन के लिए करूंगा निष्काम प्रार्थना, वो भाई के लिए करूंगा तो निष्काम प्रार्थना, इन प्रार्थनाओं को बोलता है निष्काम प्रार्थना। अब ये निष्काम प्रार्थना भगवान ग्रहण करते हैं। जब मैं हल लगाऊंगा बीज बोऊंगा तब मेरे जो प्रिय बांधव तैयार किए थे समाज में वो प्रिय बांधव मेरे लिए प्रार्थना जताएंगे, इनके प्रार्थना से भगवान के पास मेरी बात पहुंचेगी। हजार मंदिर में जाइए नारियल थोड़ी कुछ फायदा होने का नहीं, क्योंकि भगवान का इतना क्षमता भी नहीं है, सचमुच नहीं है, मान के रखिए, क्योंकि उनका यदि इतना क्षमता रहता तो उनका पत्नी को कोई उठा के ले जाता, उनका यदि इतनी क्षमता रहती तो भगवान वो थे तो जाके समुद्र किनारे बोलते हम भगवान है पुल बन जा, पुल तो नहीं बना उनका करने से, पुल बनवाना पड़ा, आदमी जुटा के पत्थर फेंकना पड़ा, घास फेंकना पड़ा, काम करना पड़ा, फिर पुल बना। भगवान भी काम से नहीं मुक्त हुए, रावण मैं भगवान हूं तू मर जा नहीं हुआ, युद्ध करना पड़ा, मारना पड़ा। तो भगवान भी कर्म से मुक्त नहीं है, तो हम सोचते हैं कैसे उसका प्रार्थना करने से वो कर देंगे, वो कोई प्रार्थना नहीं सुनते हैं, 100 प्रार्थना करते हैं तो 3 भी पूर्ण नहीं होता है, और उसी में हम सोचते हैं भगवान है भगवान है, ऐसे नहीं सुनते हैं। भगवान अपना कर्म होगा और निष्काम प्रार्थना करने वाला संगी यदि हम जुटाते हैं तभी सुनते हैं, एकमात्र यही उपाय है। कितना भी पापर बेलिए कुछ नहीं होगा, मस्का लगाइए भगवान सुनने वाला नहीं, वो ऑटोमेटिक जो होता है होता है, लेकिन सुनाना ही है, आपको सुनना ही है, तो यही उपाय है। कर्म कीजिए सही सही और समाज से प्रार्थना जुटाइए, तभी आपका 100 में 100% एकदम लग जाएगा, एकदम लगेगा बात। और उपाय दूसरा है, एक आदमी आया था मेरे पास जिसका बेटा को जहर दे दिया गया था, हमसे बहुत जान चिन्ह का था, मैंने बहुत गाली दिया उसको, रो रहा था बाप, बाप रो रहा था कि बेटा कोमा में चला गया है, वो आईसीयू में है, वो मरने वाला है, आप कुछ कीजिए। हम तो बहुत गाली दिया, बोला तुम्हारा ठाकुर जी तुम्हारा नौकर है, तुम जो बोला कि बेटा को प्राण भिक्षा दीजिए, बोला हाँ मैंने तो बोला, बोले काहे बोला, तुम्हारा ठाकुर तुम्हारा नौकर है, तुम ऑर्डर दिए काहे ठाकुर जी को क्या करना है नहीं करना है। मेरा बचपन से ही एक बात मन में है,
एक बच्चा जब रोता है तो वो करता है वैं, जब भूख लगता है तभी करता है वैं, और कोई जुबान उसमें नहीं है, वैं 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 करता है, और उसी वैं वैं आवाज से माँ को पता चल जाता है कब उसका कपड़ा गीला हुआ है, कब उसको दूध पिलाना है। माँ को यदि पता चल सकता है तो भगवान को पता नहीं चलेगा कि हमको क्या चाहिए, क्योंकि बोला का है, हम बहुत गाली दिए उसको, तो हम बोले कि गाली डाली देने के बाद हम बोला ए, बोल दिए तो डॉक्टर क्या बोला, बोला कोई उपाय नहीं, जहर फैल गया। तो हम बोले आपका बाप का हृदय क्या बोलता है, बोला बचेगा नहीं, जहर बचेगा नहीं, ऐसा बोल रहा है। अभी हम बोले तब जाइए ठाकुर जी के पास, बोले मैं एक लाचार बाप हूं, उसका इलाज करवा रहा हूं, मेरा पूरा प्रार्थना बेकार रहा, अभी हम सही प्रार्थना करें ठाकुर जी कि मेरा बेटा मरे तो मरे, जिए तो जिए, जिसमें उसका मंगल हो वही आप कीजिए, मैं उसका प्राण भिक्षा नहीं करूंगा, उसका मरने से यदि मंगल है उसका तो वही कीजिए, यदि जीने से उसका मंगल है तो वही कीजिए, कोई प्रार्थना नहीं, निःशर्त, कोई शर्त नहीं आपके पास, यही प्रार्थना किया। शाम हुआ तो बेटा कोमा से उठ के बोलता है मां भूख लगी है कुछ खाने दो, यही बात हुआ था, सचमुच सच्ची कहानी है, मेरे साथ ही हुआ, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, दोनों हाथ से अपने कपड़े बचा रही थी, संभव नहीं हुआ, कोई बचाने वाला नहीं, जब रहा कोई नहीं आ रहा है तो द्रौपदी ने अपना एक हाथ फैला के बोली मधुसूदन रक्षा करो, एक हाथ फैला दी लेकिन फिर भी कपड़ा नहीं आया, कि आएगा क्यों, एक हाथ से प्रार्थना करोगे एक हाथ से खुद को बचाओगी, नहीं आएगा, जब आप कोई चारा नहीं बस से खोलने वाला है तब दोनों हाथ जब फैला के बोल की हे मधुसूदन रक्षा करो, तब कपड़ा अनंत आना शुरू कर दिया, उसका नंगा नहीं होना पड़ा। यह संपूर्ण समर्पण से ही एकमात्र ईश्वर सुन सकते हैं, नहीं तो आप कर्म कीजिए, बंधु जुटाइए समाज में जो लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, यही उपाय है, यही दो उपाय से आप भगवान के अपना बात सुना सकते हैं। रही बात और एक, कभी विश्वास मत कीजिए बाबाई का छू देने से कोई होता है, मेरा ये हाथ छूने से यदि होता तो बेटा लोग को डॉक्टर दिखाना नहीं पड़ता, बाबाई का छू देने से ये मंगल होता है, ठेंगा होता है, सब बोलते हैं ठेंगा होता है, क्यों, मेरा बच्चे लोग का कलम हम छू देने से उन लोग को पढ़ाई तब नहीं करता हम पता, लेकिन उन लोग को तो पढ़ाई करना पड़ता है, तो ये सब बेबुनियाद बातें मत विश्वास कीजिए, मैं एक साधारण सा मामूली सा एक इंसान हूं, मेरा ठाकुर जी ऐसे हैं, मेरा ठाकुर ऐसे ही हैं, एकदम दूसरा नहीं, सांसारिक जो चित्र है उसको अभी संभालिए, संसार में जैसा लिटपिट हो गया था, इधर उधर हो गया था, उस वक्त क्या कर सकते थे, ऐसा परिवार मेरे पास गया था, बोला हम बोले उन लोग को रात का भोजन एक साथ करो, हाथ सूखने दो, तब तक बात करते रहो जब तक तुम्हारा दिल खाली नहीं होता है, सब एक साथ बात करो, एक साथ बैठे बैठे बात करो, हाथ सूखने दो, हृदय खोलो, सब पति पत्नी बच्चे सब अपना हृदय खोलो, खाने के समय हाथ जब सूख जाएगा तब सबका मदद करके सो जाओ, सुबह उठ के फिर एक साथ प्रार्थना करो। वो परिवार एक डेढ़ महीना आके बात बोलता है हमारा परिवार बहुत शांति में है, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, रात का भोजन एक साथ करें, सुबह का प्रार्थना एक साथ कीजिए, देखिए बहुत आनंद आ जाएगा परिवार में। क्या होगा, जो मां आज खाना पकाने के समय हाथ जल गई थी कोई पूछने वाला नहीं था, अब बेटी आके मलहम लगाएगी, बाप ने कमर में हाथ लगा रहा था कोई देखने वाला नहीं था, बेटा आके मालिश कर भी दे सकता है, बाप पहली बार बोलेगा बेटा को कि देख बेटा नशा छोड़ दे, बाद में पछताएगा क्योंकि तेरे ऊपर परिवार निर्भर रहेगा तेरा, यदि हमको देख के भ्रमित हुआ है तो भ्रम छोड़े, ठाकुर जी को पकड़ ले, वही मेरा गुरु है, वो इस घर के मालिक है, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं इस घर में, चलना है देख के चलना है तो उनको देख के चल, हमको देख के नहीं, हो सकता है वो मलखोर मक्खी जो बन गया था मेरा बेटा वो फिर से मधुमक्खी बनने का कोशिश कर सकता है, हो सकता है मेरी बेटी को जब उसके मां बोलेगी कि
कि देख बेटी तुझे छोटी थी ना कपड़ा गीला करती थी तो उस वक्त मेरा नीचे आंख लग जाता था फिर भी मैं करती थी। बीच रात को जब लगता था हम बेहोश पड़ जाएंगे उस वक्त हम तुझको रोने की आवाज से उठ के दूध पिलाती थी, माथा लगता था फट जाएगा और नहीं ताक पा रहे थे। उस बेटी आज यदि उलट पुलट चलती है तो मेरे मन में बहुत कष्ट होता है, हृदय खुलेगा। इस परिवार से ही तो समाज का कोई कल्याण हो सकता है, कोई नहीं आने वाला है। मानिए भगवान बोल के कोई ऊपर में आसमान में नहीं बैठा है, ठेंगा है, वो बोल देंगे पर करना है हमको जगन्नाथ जैसा, हाथ नहीं है पैर नहीं, हमको जाके जगन्नाथ है। हमको यदि ऐसा गुरु मिल जाता जो बोलता है तथास्तु तथास्तु, वो तो पाखंडी गुरु निकलेगा ही, कोई ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान का राज्य में विधि से चलना पड़ता है, सब विधि अनुसार, जैसा हमको चलना पड़ता है भगवान को भी इस विधि अनुसार चलना पड़ता है। वो उपाय बोल सकते हैं, मनुष्यों के आके कोई अति मानवीय काम नहीं कर सकते हैं। वो पहाड़ पकड़ना वो सब बेकार का बन मन गरंग कहानी है। भगवान कृष्ण का पहाड़ पकड़ना क्या कहानी था जानते हैं? आसमानी भगवान पर सब कोई विश्वास करना शुरू किया था तो भगवान ने बोल दिया कि गोवर्धन करो, गो मतलब भूमि का वर्धन करो, हल लगाओ, काम करो, काम में जुट जाओ खुद लोग। ये आसमानी भगवान का पूजा छोड़ो, लग जाओ कर्म भूमि में, यही था गोवर्धन लीला का तात्पर्य। हम बोलते हैं कालिया दमन पांच माथा नाक पर नाचा था कृष्ण भगवान, ढेंगा नाचा था, मैल हो चुका था जमुना का जल, वहां जहर हो चुका था, इतना मैल फैल गया था, कहीं किसी कारण वजह से उसको साफ करवाए थे। भगवान ऐसा करते हैं और हम लोग उसको चमत्कारी बोल के पूजा बना देने से वो यदि ऊपर आसमान में चल जाता है तो उस जगह में हम ले सकते हैं, हम उसका पुजारी, हम पंडा बन सकते हैं। यही सब पंडा बुद्धि है हम लोग का। भगवान को चढ़ा धरा के आसमान में उठा दो तो उसके जगह हम ले सकते हैं। भगवान अपनाने का चीज है, खाली पूजा करने का चीज नहीं है। हम लोग बोलते हैं ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति मतलब ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर को अपन आपन अपना बनाना, आसमान में चढ़ाना नहीं, सीधा बात यही था मेरा ठाकुर। कोई पाखंडी यदि बोलता है कि तथास्तु तथास्तु करके हम तुम्हारा समुदाय पूर्ण कर देंगे तो हम उसको छोड़ देते, क्योंकि हम तो कर्म भूल जाते तुम्हारे पास जाके। अब सब मेरा तथास्तु तथास्तु करके पूर्ण कर देता है, जादू टोना दिखाता हमको और हम बेबस पड़ जाते हैं, हम तुमको देखकर ही भागते, तुम मेरा स्वाभाविक कर्म क्षमता भी घटा देता। हम वही गुरु पकड़ते जो कचरे में पड़ने से उठने का तरीका सिखा दे, हम वो गुरु पकड़ते जो पानी में पड़ने से हाथ पैर हिला के कैसे तैरा जा सकता है वही सिखा दे। मेरा जो ठाकुर है ऐसे है, वो हमारे साथ रहते हैं, कोई चमत्कार नहीं जानते, कोई उनका जादू टोना हम नहीं जानते। मेरा ठाकुर उनका ये सब चमत्कार करने का क्षमता नहीं है, मेरा ठाकुर ऐसे ही है, हम जैसे हैं हमारा ठाकुर वैसा है। तुम हो जैसे राम के वैसे होते तुम्हारे राम, दाएं जाओ तो दाएं लेकिन बाएं जाओ तो बाएं। हम जैसे हैं हमारा ठाकुर भी वैसा है, हम जितना क्षमता है मेरा ठाकुर का भी उतना ही क्षमता है, यही है मेरा ठाकुर। लेकिन हम उनके साथ जब रहते हैं हमको लगता है दुनिया मेरा मुट्ठी में है, क्योंकि वो हमको सिखा दिए हैं एक बात कि ये धर्म जगत वीरों का जगत है, कायरों का नहीं, और हम कायर नहीं बन के रह सकते हैं। घुट घुट के रोज किसी ना किसी भयभीत होके, अरे इस तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। मंदिर में जाइए प्रार्थना के समय ऐसा मत कीजिए, प्रणाम के समय ऐसा मत कीजिए, विधि देने वाला विधाता पुरुष बहुत मिल जाएगा सत्संग में भी, हमको भी विधाता पुरुष बोल सकते हैं, हमें भी विधि बोल रहे हैं, ऐसा नहीं खड़ा होइए, उधर मत जाइए, उधर वो नहीं कीजिए, सब विधाता पुरुष हैं हम लोग। छोटे छोटे विधाता पुरुष बन जाते हैं ठाकुर जी को समझे पुजारी बन के, हम एक एक विधाता बन जाते हैं, आनंद में रहिए। मेरा बात में यदि युक्ति लगा दम लगा सुनिए, और लगा कि बेकार फेंक दीजिए, एकदम मन में रखिएगा नहीं, लेकिन यदि युक्ति लगा तो आगे बढ़िए, करना हमको है एकदम बात है। ठाकुर हमको मार्ग दिखाएंगे,
करना है हमको, मेरा जिंदगी को आनंद मुखर करना है तो आनंद मुखर कर लीजिए। मैं बहुत आनंद में रहता हूँ, मैं कैसे आनंद में रहता हूँ यही हम लोग हम आप लोग को जताए। आप सुनने में जो आया ये कोई चमत्कारी बात नहीं था, साधारण स्वाभाविक बात था। किसी को अभी हम उठेंगे दीक्षा देने जाएंगे, आप लोग हल्ला मत कीजिएगा। यहाँ प्रणामी का यदि व्यवस्था है खुद आराम से प्रणामी दे दीजिएगा। जो लोग व्यवस्था किए हैं या जो जो केंद्र मंदिर से सहयोग मिला है सब ये प्रणामी आप लोग उस ठाकुर जी का काम में आप लोग लेके व्यवहार कीजिए। यदि कोई भी मेरे लिए कोई भी उपहार ले आए हैं वो अपने पारिपार्श्विक में अड़ोस पड़ोस में बांट के उसका आनंद लीजिए। यहां से हम उठ के फिर चले जाएंगे कुछ देर बाद। आप लोग के लिए सबके लिए मेरे मंगल प्रार्थना, आप लोग मंगल में रहिए, खुश में रहिए, ठाकुर जी को लेकर। जय गुरु।